ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अल्केन की नेमिंग। रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग होगी। देखें, ये है हमारे पास कार्बन चेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बन चेन को सेलेक्ट, जैसे कि रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सीधा जाऊँ या मैं नीचे मुड़ जाऊँ। रूल ने हमें कहा कि लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस, जहाँ कार्बन ज़्यादा होंगे वहाँ जाए, तो कार्बन इस साइड पे ज़्यादा है, इसलिए इसको इस साइड से चेन चली जाएगी, ठीक है, और इस तरह से बंद हो जाएगी। अब ये चेन क्या कहलाएगी? पैरेंट एल्कीन, ठीक है। और ये जो बचा है क्या है? ब्रांच। अब आते हैं नंबरिंग। नेमिंग करने के लिए हमने सबसे पहले चेन सेलेक्ट कर ली कार्बन की, अब हम उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए हमें रूल नंबर 2 हेल्प करेगा, जो कह रहा है नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ चेन विच गिव्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द लाइटर ब्रांच। रूल नंबर 2 कह रहा है कि जहाँ से ब्रांच करीब है उस कॉर्नर से आप नंबरिंग करें। तो हम चेक कर लेते हैं 1, 2, 3। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच 3 पे आ रही है, और अगर यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 पे आ रही है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग? रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए यहाँ से, राइट। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब नेमिंग पे आएंगे। सबसे पहले नेमिंग में याद रखिएगा, हम ब्रांच की पोजीशन मेंशन कर दें। ब्रांच की पोजीशन किस पे है? 3 पे, 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर डैश डालेंगे ब्रांच का नाम, मिथाइल और हेक्सेन। ये टोटल कितने कार्बन है? 6 है ना, 6 की चेन है, तो चेन का नाम लिख दिया हेक्सेन। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके सर पर से ये सब गुजर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप नीचे जाइए मेरे चैनल पे। आपको स्टार्ट से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रो से जो वीडियोस दी हैं उनको देखेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसकी चेन सेलेक्ट करना स्टार्ट करी मैंने। अब देखें, यहाँ पे आने के बाद मेरे पास फिर दो रास्ते हैं, या मैं ही नीचे चली जाऊँ या मैं सीधी जाऊँ। रूल कह रहा है कि जहाँ ज़्यादा कार्बन हो वहाँ जाएंगे, तो अगर मैं सीधी जाऊँगी तो सिर्फ एक कार्बन आएगा, राइट, और अगर मैं नीचे जाऊँगी तो दो आएंगे। तो कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। ये बन गया पेरेंट एल्केन, और ये जो रह गई चीज़, ये क्या है? ब्रांच। अब नंबरिंग पे आते हैं। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच जो है वो करीब है। तो चेक कर लेते हैं 1, 2, 3 थर्ड कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है, अगर हम यहाँ से चेक करें, और यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे भी थर्ड पे लगी हुई है। तो अगर ऐसी सूरत हाल आए जहाँ दोनों तरफ से इक्वल आ रहा हो नंबर, तो फिर ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है। मेरा यहाँ से दिल चाह रहा करने का, तो मैं यहाँ से कर रही हूँ, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, बात सेम रहेगी 4 and 5, ठीक है। सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन मेंशन करेंगे, ब्रांच किस पे है? 3 पे। डैश ब्रांच का नाम मिथाइल, और चेन का नाम कितने हैं? पेंटेन। 5 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, राइट, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं नंबरिंग पे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब है। यहाँ से चेक करते हैं 1, 2, 3 यहाँ पे ब्रांच आ रही है 3 और 4 पे, राइट, और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ 1, 2, 3 तो ब्रांच 2 और 3 पे आ रही है। इसके तहत मुझे कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए? मुझे इस साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, ठीक है। क्यों इस साइड से करनी चाहिए? क्योंकि इस साइड से ब्रांच आ रही है 2 और 3 पे, जबकि इस साइड से अगर आप काम करके देखेंगे तो ब्रांच आ रही है 3 और 4 पे। तो जो छोटा होगा, जहाँ से ब्रांच करीब आ रही होगी, करीब पड़ रही होगी, हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 4, 5, ठीक है। और ये जो सब चीज़ें बची हैं, ये ब्रांच है। अब लिखते हैं इसका नाम। नेमिंग करने से पहले अगर आप रूल नंबर 3 को देखें तो लिखा हुआ है, इफ़ आइडेंटिकल रेडिकल्स अपियर मोर देन वंस इन अ चेन देन यूज प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा। कह ये रहे हैं इस रूल में कि अगर एक जैसे अल्काइल रेडिकल्स आ जाएं, एक से ज़्यादा
एक ही चेन में एक से ज्यादा एल्काइल रेडिकल्स आ जाएं तो उनको लिखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, डाई। अगर दो आएंगे तो डाई, तीन आएंगे तो ट्राई, चार आएंगे तो टेट्रा, पांच आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल तो पेंटा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास कितने आए देखिए, एक से ज्यादा है ना, और सेम एक ही जैसे तीनों ब्रांचेस, तीन ब्रांच आई है और तीनों मिथाइल की ही ब्रांच है, कोई और ब्रांच नहीं है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, तीन के लिए क्या यूज होता है, ट्राई। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन लिखेंगे, ठीक है, एक टू पे, ठीक है, टू वाले टू लिखेंगे, थ्री पे कितने हैं, दो है, तो थ्री को हम दो दफा लिखेंगे, ठीक है, फिर डैश डालेंगे। अब कितने मिथाइल है, तीन है, तो तीन को हम क्या कहते हैं, ट्राई मिथाइल, और फिर चेन का नाम लिख देंगे पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सेलेक्ट द कंटीन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अच्छा अगर आप इधर देखें तो अगर मैं यहाँ से नीचे चली जाती फॉर एग्जांपल, तो मुझे दो कार्बन मिलते, और मैं जो डायरेक्ट सीधा गई तो यहाँ पर मुझे दो कार्बन मिले, तो दोनों तरफ अगर दो दो ही मिल रहे हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि हम स्ट्रेट जाएं, ठीक है, क्योंकि मुड़ने का कोई फायदा नहीं है ना, मुड़ने का क्या फायदा, मुड़ के नीचे आ जाएंगे मिलेंगे दो, नीचे हम उस सूरत में जाएंगे, मुड़ेंगे उस सूरत पे जब यहाँ पे कम मिल रहे हों। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों सूरतों में बराबर ही मिल रहे हैं तो फिर हम सीधे ही जाएंगे। ठीक है, वो पैरेलल चेन हो गया, और ये क्या है, ये दो क्या हो गई, ब्रांचेस हो गए। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब होगी, तो यहाँ से देखते हैं, वन टू थ्री, ये थ्री पे आ रहा है, और यहाँ पे वन टू थ्री, तो यहाँ पे थ्री और फोर पे आ रहा है, अगर हम देखें वन टू थ्री फोर यहाँ पे, और ये थ्री पे, ये फोर पे, राइट, थ्री और फोर का नंबर आ रहा है, यहाँ पे वन टू थ्री, टू और थ्री का नंबर आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट। अब नेमिंग पे आते हैं, अच्छा नेमिंग इसमें आ रही है थोड़ी सी प्रेरिटी, ठीक है, जो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग रूल नंबर फोर की तरफ देखें, रूल नंबर फोर में लिखा हुआ है नेमिंग प्रायोरिटी, यानी जब आप नेमिंग कर रहे होंगे तो आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे नेमिंग करते हुए, लेकिन जब आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो आप किसको देखेंगे, मिथाइल की ब्रांच को देखेंगे। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ, इस ब्रांच को तो आप पहचानते होंगे, ये क्या है, ये तो मिथाइल है, सही है, ये क्या है, क्या आप बता सकते हैं, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, नीचे CH3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मिला के लिखूँ C2 लिख दूँ, या दो कार्बन है ना, तो मैं दो कार्बन ऐड कर दूँ, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 4, 5, और H5 लिख दूँ, तो ये क्या बना, ये बन गया C2H5 इथाइल। ठीक है, अगर आप अल्काइल रेडिकल का टॉपिक फिर से खोल के चेक करें इसकी सीरीज, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इथाइल, यानी उन्होंने तोड़ के लिखा है अलग से, लेकिन हम तो ये पूरी ब्रांच एक कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये इथाइल है। ठीक है, ये मैं वापस मिटा रही हूँ, वो इसको C2H5 करके भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, दोनों मामलों में, दोनों सूरतों में एक ही बात है। अब जब नेमिंग की बारी आई, तो नेमिंग में सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे, ये बात आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रांच को लिखते हैं, लेकिन हमारे पास अब दो ब्रांचेस हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो अब हम ये देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहली कौन सी आ रही है। जैसे कि मिथाइल किससे स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, और इथाइल किससे स्टार्ट होता है, इथाइल स्टार्ट होता है ई से, तो ई पहलाता है या एम पहलाता है, ई पहलाता है, राइट। तो हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल की पोजीशन लिखेंगे, कहाँ पे लगी हुई है ब्रांच, थ्री पे, मैं लिखूंगी 3-ethyl, उसके बाद कौन सी ब्रांच है, फिर मैं यहाँ पे डालूंगी कॉमा 2-methyl, और चेन का नाम क्या है, पेंटेन। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आपने स्ट्रेट लिखा, ठीक है।